तो पहली डोज तो मैंने लगवा ही ली है, ठीक है। सो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ वैक्सीन लगवाने अपनी फर्स्ट डोज, तो देखते हैं कैसे क्या रहता है। मेरे को ना थोड़ा टाइम से ना मन में जो एक मिथ था ना वो बैठा हुआ था, इस चक्कर में भी लगवाई नहीं थी, जो सच बात अब लगवाने जा रहा हूँ। तो मेरी अपनी स्कूटी, चलते हैं। सो गाइस गाड़ी मैंने खड़ी कर दिया, मेरे घर के पास में ही गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारे साहिब में लगवाई जा रही है, ठीक है। भाई वैक्सीन लगवाने आ गए, तो मतलब नर्वस तो नहीं हूँ, नर्वस की कोई बात नहीं है। पहली बार मतलब पहली डोज लगवाएंगे, देखो शूट करने देते नहीं देते पता नहीं, बट लगवा ही लेते हैं आज, क्योंकि ट्रैवलिंग में बड़ी दिक्कत आती। मेरा भी दिखा, हाँ मेरी मम्मी की भी लगनी है सेकंड डोज। हाँ सर्टिफिकेट फोन में ही है। हाँ मैं दिखा दो बस, ये देखो ये रहा। तो पहली डोज तो मतलब अंदर मैंने लगवा ही ली है, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा कुछ इफेक्ट तो अभी पता लगेगा जब इसके थोड़ा टाइम निकल जाएगा, 2-4 घंटे बाद। और मैंने तो सीधा ही देखते हुए ऐसे लगवा लिया, कुछ इतना वैसे मेरे को इतना डर लगता है, वही है ना एक, अगर चलो सामने से करके देख के तब पता लगता है कि कैसे क्या होता है, कि शाम तक रात तक पता लगेगा जो होना हो कि देखी जाएगी। बट सही है एक ना, वो होता ना क्रियोसिटी रहती है, बस वैसे चक्कर। मैं आप सभी को पता है ट्रैवलिंग में मेरे को इशू आ रहा था, तो ट्रैवलिंग के चक्कर में ही लगवाइए। देखते हैं अब आगे, और कहीं बहुत सारे ट्रैवल प्लान भी है तो साथ चलना ही आपने। सर्टिफिकेट अभी थोड़ी देर में, सर्टिफिकेट आ जाएगा ना अभी, तो कितनी देर में आ जाएगा? आधे घंटे में। चलो थैंक यू। तो गुरुद्वारे के में ही लग रही थी आज, वैसे भी लास्ट डे था, लास्ट डे के एंड में। अंकल जी वैसे नॉर्मल खाली सारियाँ दवाइयाँ मिल जाती हैं जिमें अर्थराइटिस दिए, तो टाइमिंग की है 11 to 8 तक। धन्यवाद। मैं गुरुद्वारे में मैं मेडिसिन भी आपको ले सकते हो। एंड यार आपको पता ही लग गया यार, वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लेनी थी फिर भी जो छोटी मोटी, लेकिन उन्होंने लगाने ये क्या है कर रहे हो भैया, ये क्या चल रहा है, ये है वो है, तो पता नहीं क्या उनको, जैसे कि मैंने जायदाद ले लूँगा, पता नहीं उनका मैंने कुछ खा रखा है जो उनको ऐसा लगता है, पता नहीं क्या इंडिया में दिक्कत है लोगों को वीडियो से। चलो छोड़ो परे, और रही बात अब फर्स्ट डोज तो लगवा ली है, अब आ गया गोलगप्पे खाने, गोलगप्पे खाऊँगा। और यार मैं खाने की चीज़ ऐसे नहीं दिखाता, जैसे कि यार पता क्या होता है अच्छा नहीं लगता, मैं अकेला खा रहा हूँ तो घर भी जाके खाऊंगा, वैसे बाहर तो नहीं लेऊंगा, अभी टेक अवे वाला सिस्टम कर रखा मैंने तो ऑलमोस्ट। और गुरुद्वारे में भाई 23-90% डिस्काउंट पे दवाइयाँ भी मिलती हैं, आज देख रहे हो सेवा मतलब, तो लोग इतने कर रहे हैं ना, अच्छा लगता है। बाकी चलो। सो गाइस मेरा यहाँ पे मैसेज आ चुका है, ठीक है। ये जो ब्लॉग रहेगा ना वो लेट ही आएगा, बिकॉज क्योंकि मेरे पहले और भी क्यू में पड़े हुए थे ना इसलिए। बाकी आज की तारीख है 3rd of December, अब देखो इसको मैं कब डाल पाता हूँ, कैसे टाइम मिलेगा, बट किसी व्लॉग में आएगा आएगा। 2000 years later। तो यार अभी जाएंगे ऊपर टेरिस पे, टेरिस पे क्या है ये सब होंगे, अब क्रिकेट खेलने जाएंगे, थोड़ा मजेदार होने में मैच, और हाँ जल्दी ही कुछ बड़ा भी इसमें करने वाले हैं। बाकी यार अभी ना मौज मस्ती करना है भाइयों के साथ हूँ, पीछे ना एक्चुअली ना किसी का कीर्तन हो रहा है मंदिर जो था ना पूजा पाठ, तो उसका भी शोर आ रहा है सब मिलते हुए, वैसे कुछ ऐसा व्यू है बाहर का देख रहे एरिया कौन सा ये नहीं बताऊंगा। अब आ गए छत पे, थोड़े से बॉलिंग और वीडियो के ना बैटिंग के शॉट्स देखना, और अपने लिए भी हमारे लिए हो जाएगा कि यार हम कैसा हमारा एक्शन आ रहा है क्या हो रहा है, हाँ मौज मस्ती फुल होनी चाहिए। आप लोगों ने ऐसे खेला है? वैसे हम लेदर से खेलते हैं प्रॉपर, लेकिन हाँ आज वो अंडे वाली बॉल से छत पे खेलने का ही अलग मजा है। ये आगे बॉल है हमारी। हेलो जी किद्दा जी, सारा समय बढ़िया जी, बढ़िया।
ये हमारी व्हाइट बॉल है, थोड़ी सी हैवी होती है। हाँ, अंडा थोड़ी सी लाइट बॉल है, इससे शॉट्स बहुत अच्छे आते हैं, टाइमिंग बहुत अच्छी आती है। एग्जैक्टली, इससे आपकी बॉलिंग की स्पीड थोड़ी स्लो होती है, लेकिन ये टफ होता है खेलना। हाँ, बॉल में थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है। एग्जैक्टली, मतलब यही है कि हल्की बॉल में ना हमारे को अपनी स्पीड, पूरा पावर, पूरा एंकल, एंकल कह रहे हैं, हाथ की जो रिस्ट होती है ना उसका भी पूरा हिसाब बड़ा चक्कर पड़ता है। दो चार बॉलिंग करो। वहां भी आज की गेंद अंदर की तरफ आई है, तेजी से आई है और विकेट देकर गई है। इस बार पैरों पर है गेंद, इस बार भी इस पे चौका लिखा है। एक बार फिर पैरों पर है गेंद, एक बार फिर चौका जाएगा। देखा, गेम स्टार्ट होने से ही पहले गली में नीचे बॉल चली गई। ऐसा बहुत भारी होता है जब नीचे चली जाती है, और सबसे छोटा मैं ही हूँ ना भाइयों में, तो बली का जो बकरा कहता है ना वो मेरे को ही बनना पड़ता है, क्या ही करें। बट भाई यार मज़ा भी इतना आता है, खेलो यार। और हाँ, एक भाई लगता है एक और आगे खेलने के लिए। अपनी बाइक इधर एक खड़ी है, स्कूटी येरी। आए भाई, आ गए भाई, कैसे हो? बढ़िया। अरे बॉल लेने जा रहे हो? ऑलराउंडर साहब आ गए हमारे। आज ना सच्ची में आज इसलिए भी लेके आया कैमरा ताकि हमारे को ना अपनी बॉलिंग बैटिंग का वो स्टांस पता लगेगा कैसे खेलते हो। एक तरीका तो मिल जाएगा ना कि कैसे हमारे हाथ घूम रहे, क्या है। सही है, चलो जी पिचांगे तुसी दा। बड़ी सारी राइड आते हैं, सीधा लॉन्ग राइड आते हैं, छोटी मोटी राइड नहीं आते, ये लेजेंड है। अब एक बॉल मेरे को भी खेल रहे हैं। एक बार फिर पैरों पर गेंद, एक बार फिर वही है रिजल्ट, बार बार यहां डालेंगे, बार बार यहां खाएंगे। इस बार थोड़ा सा रूम दिया है और यहां पर भी पड़ा है फटका। अपनी आ गई फर्स्ट। उमर गुल की गेंद, वीरेंद्र सहवाग का चौका, एक बार फिर चौके से की है शुरुआत। इस बार तो पांव भी नहीं हिलाए, सिर्फ हिलाया बल्ला और बोला हल्ला। एक ओवर में चौकों की झड़ी से लगा दी है, तिरंगा लहरा दिया है। रजाक की ये गेंद और कॉपी बुक, चाबुक सचिन रमेश तेंदुलकर। वीरू के फिर डाली है पैरों पर और फिर मिला है चौका। थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, स्लोअर बाउंसर थी शायद, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। जबरदस्त ये गेंद थी, टर्न मोहम्मद हफीज, प्रोफेसर हफीज, लोकल बॉय, होम बॉय,
not the homecoming we were waiting for. Wahab Riaz on fire. Stand up and admire. बस अब तो मरा गया, टोटका हो गया देख. अब तो आउट है इस बॉल. जय मां काली. देख लेग स्पिनर है तू गया. जय मां काली की दूजी. मैंने बॉली लगा दी जय मां काली की दूजी. तो दूजी बॉल पे आउट कर दी. दो बॉल बाकी यार. दो दूसरी बॉल पे आउट करो ना. दो ही नहीं बाइड जा रही है. दो बाइड है. अब देख अब इस बॉल पे तो होम ग्राउंड से नीचे लग रहा है. ये मेरा मेरा होम ग्राउंड है ये. भाई मेरी बारी में इतनी बढ़िया एक्सपेल डाले डाली तूने. मेरे हलाल साला हसन अली है ये होम ग्राउंड को फायदा उठा रहे कहीं ने. ओ बहुत बढ़िया. ओए एच ओ बोल रो